नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान में कोटा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ओम बिरला पर जमकर निशाना साधा। सर्किट हाउस के बाहर हुई इस सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हमारे नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की, इसके साइन से सदस्यता खारिज हुई थी, उसको हराने का ये सही मौका है। ऐसे व्यक्ति को संसद नहीं पहुंचने देना है। डोटासरा ने कहा कि ओम बिरला से बदला लेने का ये अच्छा मौका है, उसे जीतने नहीं देंगे। ओम बिरला ने एक ही दिन में हमारे 150 सांसदों की सदस्यता रद्द की थी और 18 कानून पारित कर दिए। आपको बता दें कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए अलोकतांत्रिक कार्य किया था, ये कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। आगे बढ़ने से पहले उनका यह बयान आप सुनिए। आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर साहा, आदरणीय रामनारायण मीणा जी, आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी, सीएल प्रेमी जी, हमारे अशोक चांदना जी, चेतन पटेल जी, राखी गौतम जी, गुड्डू भाई, सभी जिलाध्यक्ष, सभी नेतागण, इन सब को साथ लेते हुए मैं आपके लोकप्रिय कांग्रेस के कोटा बूंदी के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल जी को अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हम सब साथ मिलकर के लड़ेंगे, जीतेंगे और दिल्ली में लोकसभा में जाकर के कोटा का डंका पहराएंगे। ये मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये मुकाबला उन लोगों के बीच में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की, जिस व्यक्ति ने हमारे नेता राहुल गांधी जी की लोकसभा में सदस्यता खत्म कर ली, उसका खत्म की थी, उसका बदला लेने का समय आ गया है। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये इसलिए भी विशेष है कि जिसकी कलम से 150 हमारे चुने हुए सांसदों को संसद से बाहर निकाल करके और 18 कानून पारित कराए थे, उन कानूनों को और उन निकालने वालों का बदला लेने का समय आ गया है। इसलिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और जो प्रहलाद गुंजल जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए, उन कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि 26 तारीख को कोटा में मोरिया खोलना चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रहलाद गुंजल पूरी तरह से हमारे हो गए हैं और अब ये हमारे प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से जीतकर अब पार्लियामेंट में कांग्रेस की आवाज बुलंद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं मोदी सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कि वो हमारे खातों को सीज कर सकती है, हमारे नोट सीज कर सकती है, लेकिन हमारे वोटों को सीज नहीं किया जा सकता। जिस तरह की भीड़ इस रैली में आई है उससे साफ है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और कोटा बूंदी से प्रहलाद गुंजल को दिल्ली भेजने पर मोहर लगेगी। कांग्रेस के तमाम नेता तो ये दावा कर रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल की जीत निश्चित है, लेकिन बात वही है कि ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।